Hope you all are fine. Today we start chapter number 3, gaseous exchange. ठीक है, हमने chapter number 3 start किया है gaseous exchange, जिसका हमारे पास आज topic है respiratory disorders. मैंने पहले आपको जो videos दी थी उसमें हमारे पास सारा respiratory process था कि हमारे body में respiration किस तरह से होती है, gases का exchange किस तरह से होता है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आज का है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, यानी कि सांस लेने में हमें कौन कौन सी बीमारी, इस प्रोसेस में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्यों होती हैं, किस वजह से होती हैं. ठीक है, इन बीमारियों को हमने, डिसऑर्डर्स को हमने डिस्कस करना है. सबसे पहले है हमारे पास ब्रोंकाइटिस. ठीक है, ब्रोंकाइटिस एक ऐसी डिजीज है जिसके रिजल्ट में हमारी जो ब्रोंकाइटिस होती है उनमें म्यूकस जो है वो आ जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, इसके रिजल्ट में हम सांस नहीं ले सकते. अभी जो ब्रोंकाइटिस की डिजीज है ये किस वजह से होती है, ये हमारे पास ये बैक्टीरियल डिजीज है और वायरसेस की वजह से भी होती है. ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ वायरसेस की वजह से ये डिजीज होती है. अब ये जो लोग ज्यादा सिगरेट नोशी करते हैं, टोबैको यूज करते हैं, तो उनकी बॉडी में ये ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन. ठीक है, अब हमारे पास इसकी टू मेजर टाइप्स हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. जो एक्यूट है वो हमारे पास उसमें पेशेंट जो है लास्ट अबाउट 2 वीक्स एंड पेशेंट रिकवर्ड विद नो परमानेंट डैमेज. पेशेंट जो है एक्यूट ब्रोंकाइटिस में परमानेंटली रिकवर नहीं कर पाता, ये बहुत डेंजरस है. ठीक है, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है एक ऐसी डिजीज है जिसमें कुछ इयर्स बाद अगर आप मतलब सिगरेट नोशी ना करें, टोबैको वगैरह यूज ना करें, एक हेल्दी एयर में रहें, तो आपके पास ये डिजीज जो है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये खत्म हो सकती है. अच्छा जी, इसके हमारे पास कुछ सिम्टम्स हैं जिस पर्सन को ये बीमारी होती है उसको कफ यानी कि खांसी वगैरह होती है, फीवर बुखार होता है, उसकी चेस्ट में पेन होती है. ठीक है, और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट हमारे पास एक और डिजीज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास इम्फिसीमिया है. इसमें हमारे पास जो एल्वोलाई होती है उसकी वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एल्वोलाई की जो वॉल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसके रिजल्ट में जब हम अपने एयर को अपने अंदर लेके जाते हैं तो जो हमारे लंग्स हैं उनको दोबारा अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, दोबारा वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकते. ठीक है, इसको हम एम्फिसीमिया बोलते हैं. द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड मे गेट सो लो दैट इट कॉजेस सीरियस कॉम्प्लिकेशन. इसके रिजल्ट में क्या होता है जी, हम सांस ठीक तरीके से नहीं ले पाते, उसके रिजल्ट में ये होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा रही होती, तो इससे हमें बहुत सारी जो है बीमारियां हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे इसके जो सिम्टम्स हैं इसमें सिम्टम्स ये है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हम थके थके रहते हैं. ठीक है, हमारा वेट जो है वो लॉस होना शुरू हो जाता है. अब नेक्स्ट हमारे पास निमोनिया है. ठीक है, ये भी हमारे पास निमोनिया हमारे पास वो डिजीज है जिसके रिजल्ट में हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. ठीक है, हमारे लंग्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं. ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया का नाम है जो इस डिजीज को काज करता है. ठीक है, इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके रिजल्ट में उनके टिश्यूज जो है लंग्स के वो डैमेज हो जाते हैं और उनमें पस बन जाती है. ठीक है, इसमें भी होता है हमें बुखार होता है, हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. अगर हम कुछ एंटीबायोटिक्स अगर इसके लिए हमें इसके इलाज के लिए हमें एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है जिससे हमारा जो है ये ट्रीटमेंट होता है, इससे हम ठीक हो सकते हैं. अच्छा, ये हमारा आज का टॉपिक था. नेक्स्ट जो हमारे पास अस्थमा है और लास्ट हमारे पास लंग कैंसर है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा. तो आपको मैं ऊपर एक वीडियो भी इसका लिंक दे दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी. तो अगर फिर भी आपको फर्दर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.